लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदेश में उम्मीदवारों की आज पहली सूची जारी कर सकती है। दिल्ली में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर शाम 5 बजे सीईसी की बैठक है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि राहुल गांधी के समक्ष पार्टी में शामिल हुए नेताओं और मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो वहीं इस बैठक में प्रदेश की 25 सीटों के पैनल सीईसी के समक्ष भी रखे जाएंगे। कि हमारी मीटिंग लगातार चल रही हैं और काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। कल हमारी मीटिंग होगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, और जो भी निर्णय प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने लिए हैं, सब नेताओं से चर्चा जो की है, जो पैनल बना है, उस पर अंतिम चर्चा का दौर कल होगा सीईसी की मीटिंग में। सब आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिताऊ, सबसे कर्मठ, सबसे जमीन जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं। राहुल जी की इच्छा के अनुसार हम लोग अच्छे नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं, और ये मिशन 25 को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। और कल का जो दौरा था राहुल गांधी जी का, गंगानगर का, बूंदी का, जयपुर का, उससे बहुत उत्साह हुआ है। और अभी दोबारा राहुल जी के दौरे लगेंगे अप्रैल के महीने के अंदर, और हमारा प्रचार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और भाजपा की जो लिस्ट आई है उसे देखकर उनके खुद के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन हमारी पार्टी, हमारा संगठन सरकार के किए हुए कामों को जनता तक लेकर जाएगा, और भारी तादाद में हम लोगों को राजस्थान से सीटें मिलेंगी। मैं पिछली जो हमारी सीईसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से कुछ जानकारियां और मांगी गई थी, उसको बैठ के हमने चर्चा किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम किस प्रकार से, और कुछ लिस्टों के भी हमारे पास में इंतजार था, कुछ जानकारियों की का अभाव था, जो आज हमने पूरा कर लिया। और कल सीईसी के सामने में सभी 25 सीटों के ऊपर में फाइनल मोहर कांग्रेस अध्यक्ष। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, ये बताएं कि 26 को राहुल गांधी के राजस्थान दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी राजस्थान की जो सूची है वो जारी हो सकती है, और कितना समय, क्या कुछ संभावनाएं बताएं। जी बिल्कुल, जो सूची में देरी हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी का राजस्थान दौरा भी माना जा सकता है। जिस तरीके से 3 जगहों पे उन्होंने जनसभाएं की, और कुछ निर्दलीय जो उम्मीदवार है या उम्मीदवार या नेता बोला जाए, या फिर बीजेपी के कुछ नेताओं को शामिल कराया गया, उसकी वजह से भी सूची में देरी हो रही थी। आज शाम को शाम 5 बजे सोनिया गांधी के आवास पे सीईसी बैठक बुलाई गई है कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, और तमाम जो सीईसी के सदस्य हैं उनके साथ में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। आज पहली सूची आने की पूरी पूरी संभावना है। इससे पहले पहले अभी जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में मौजूद है, इस सब हरीश चौधरी, रामेश्वर डूडी जैसे तमाम जो नेता हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, अपनी अपनी जो है दावेदारी उनके सामने पेश कर रहे हैं कि आज शाम जो सीसी बैठक हो उसमें उनको लेके चर्चा की जाए। हालांकि उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि जो नए चेहरे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं उनको जो है आज चर्चा में, आज सीईसी की बैठक में चर्चा की जाए और उनको टिकट दी जाए, ताकि कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवार हो और कांग्रेस पार्टी 25 की 25 लोकसभा सीटों पे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को उतार सके। जी लवीना। जी प्रीत, ये बताएं कि क्या कुछ उम्मीद है कि जो कांग्रेस अपनी सूची जारी करने वाली है भाजपा की तरह 2 टुकड़ों में करेगी, या फिर एक ही सूची में सभी प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। देखिए, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पहली सूची में ज्यादातर नामों की घोषणा की जाए और कुछ सीटें जहां पर अभी बात नहीं बन पाई है उनको अभी रोक लिया जाएगा। ऐसे करीबन 10 से 15 नाम होंगे आज जिनका ऐलान कर दिया जाएगा, जो कि पहली सीईसी बैठक में क्लियर हो गए थे। लेकिन कुछ जो नए उम्मीदवार, नए चेहरों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उनको अगर टिकट दी जा सकती है, तो पहले वाली जो सिंगल पैनल के नाम थे उनमें से कुछ नाम उनके भी ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 12 से 15 जो उम्मीदवार हैं उनकी आज देर रात तक कांग्रेस पार्टी पहली सूची जारी कर। जी प्रीत, ये बताएं कि कौन सी संभावित सीटें हैं जिन पर पेच फंसने की संभावना है। देखिए, चूरू सबसे ज्यादा उसमें है अभी, इसके साथ ही सांचौर की सीट को लेके अभी विचार विमर्श किया जा रहा है।
जोधपुर की सीट को लेके भी अभी कुछ जो है अभी जो है क्लियर नहीं हो पाया। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वैभव गहलोत को चुनाव लड़ने को लेके जो है अभी भी चर्चा जारी है, क्योंकि खुद इससे पहले पिछली सीसी बैठक में खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वैभव गहलोत को जो है अभी टिकट ना दी जाए। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज फिर से चर्चा की जा सकती है। प्रीति बताएं कि क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं इस सूची को, जो पैनल है किस तरीके से तैयार किया जाएगा, क्या कुछ मुख्य बिंदु हो सकते हैं आप बता सकते हैं? देखिए मुख्य बिंदु ये रहेंगे कि जिताऊ और जिताऊ कैंडिडेट को ही उतारना कांग्रेस पार्टी एकमात्र पैमाना मान के चल रही है। ऐसे में जो नए चेहरे हैं उनको भी उतारा जा सकता है, या चाहे मंत्री ही क्यों ना हो, जैसे में ये बात की जाए हरीश चौधरी की, या जिस तरीके से सचिन पायलट या रघु शर्मा है, बड़े सुखराम विश्नोई है, इन तमाम जो नेता है इनको भी टिकट दी जा सकती है, इनको भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि मंत्री हैं, अपने आप को सिक्योर मान रहे हैं, राजस्थान सरकार में एक बड़ा पद मिला हुआ है, ऐसे में ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं इनमें से कुछ मंत्री। लेकिन पार्टी की तरफ से, खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र पैमाना जिताओ उम्मीदवार उतारना है, जीत हासिल करना है। ऐसे में मंत्रियों को भी टिकट दी जाने की पूरी पूरी संभावना है। लवीना जी, प्रीति बताएं कि सीसी की बैठक के बाद क्या पूरी पूरी संभावना है सूची जारी होने की? देखिए लगभग माना जा रहा है कि सीसी बैठक में आज पूरी चर्चा की जाएगी 25 की 25 सीटों पे, जिनमें से 12 से 15 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान आज रात करीबन 9 से 9:30 बजे के बीच में पहली सूची आ सकती है। जी लवीना जी, प्रिय तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक बार आपको फिर से बता दें कि आज पूरी पूरी संभावना है कि कांग्रेस की लिस्ट राजस्थान के प्रत्याशियों के लिए जारी हो सकती है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।